दोस्तों अगर आप भी हार से परे रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ट्रेविस हेड ने बेईमानी से किया था रोहित शर्मा को आउट, तो खुद सामने आकर सच कबूला। अब दोबारा होगा इस दिन मुकाबला। खुद रोहित शर्मा ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर पूरा भारत देश उठा खुश। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले रोहित शर्मा वो तो वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अब जब दूसरी बार फाइनल मैच होगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला चर्चा का विषय बनकर रह गया है। दरअसल दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतने बड़े मंच पर आकर भी भारत के खिलाफ बेईमानी करके मैच जीता और फिर भी वो अपना सर उठाकर भारत के आगे से ट्रॉफी लेकर चले गए। हालांकि दोस्तों उस वक्त तो बेईमानी के सभी सच्चे सबूत मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब सारे सबूत आईसीसी और बीसीसीआई के पास पहुंचे तो यह पता चला कि ये तो साफ तौर पर बड़ी बेईमानी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने की है। जी हां, यहां पर हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना था और भारत ने 50 ओवर में 240 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, जहां इस दौरान केएल राहुल ने 66 रन बनाए तो विराट कोहली के बल्ले से 54 रन की पारी देखने के लिए मिली और रोहित शर्मा के बल्ले से 47 रन निकले। लेकिन दोस्तों यह स्कोर काफी कम था अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के हिसाब से देखा जाए तो। और जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी तो हमारे गेंदबाजों ने डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाजों को मात्र 47 रन पर ही चलता कर दिया था। लेकिन यहां पर ट्रेविस हेड की 137 और मार्नस लाबुशेन की 58 रन की पारी ने भारत के मुंह से जीत छीन ली और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतकर फाइनल की ट्रॉफी लेकर अपने स्वदेश लौटने ही वाली थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही रोहित शर्मा के कैच का सबसे पहले सबूत सामने आया, जहां ट्रेविस हेड ने जो कैच उनका लपका था वो दरअसल कैच था ही नहीं। यहां पर साफ वीडियो में दिखा कि पहले गेंद जमीन पर लगी थी और फिर ट्रेविस हेड के हाथ में आई थी और ये बखूबी ट्रेविस हेड को पता था और एम्पायर को भी रिव्यू करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों एम्पायर और ट्रेविस हेड ने अपनी मिली भगत से रोहित शर्मा को आउट करवा दिया और फिर मार्नस लाबुशेन एम्पायर्स कॉल पर बच गए और ट्रेविस हेड को भी बचाते हुए एम्पायर नजर आए, जिसके चलते यहाँ अभी है तो पता चल चुका है कि भारतीय क्रिकेट टीम बेईमानी के चलते इस मुकाबले को हारी थी और दोबारा मैच करवाने की भी मांग उठ चुकी थी। और अब दोस्तों रोहित शर्मा ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और इस दौरान रोहित शर्मा ने बताया कि आखिरकार उन्होंने दोबारा मैच करवाने पर क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने सभी को खुश कर दिया, जहाँ उन्होंने बताया कि जब मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिला था तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि आप हार के बाद मायूस ना हुई है, आपकी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, आप 10 ऐसे मुकाबले खेलकर यहाँ तक पहुँचे थे जिसमें आपको किसी ने भी चुनौती पेश नहीं की, आप हमारे लिए चैंपियन है और अभी मुझे पता चला है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेईमानी की थी, तो अब मैं आईसीसी से बात कर रहा हूँ और हम पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है इस वर्ल्ड कप के फाइनल को दोबारा करवाने के लिए। और दोस्तों आगे रोहित शर्मा ने यह भी बताया कि पीएम मोदी जी ने कहा है वो 25 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला करवाने का विचार कर रहे हैं दोबारा से, ताकि मैच को बिना बेईमानी के समाप्त किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अगर बेईमानियां होने लगी तो आगे आने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए क्या संकेत पहुंचेगा। इसलिए पीएम मोदी जी चाहते हैं कि वो इस मुकाबले को पूरा फेयर रखें, जिसके चलते हम जीते या फिर हारे इससे मतलब नहीं है, बल्कि इससे मतलब है कि मैच के दौरान बेईमानियां किसी भी तरह की होनी नहीं चाहिए और पूरी एम्पायर की कमेटी को भी बदलने की मांग की पीएम मोदी जी ने कर डाली है आईसीसी से। और पीएम मोदी ने हमारी जितनी मदद की है मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, उन्होंने पूरा बोझ हमारे सर से हटा दिया है। तो दोस्तों यहां पर एक बार फिर से भारत के पास मौका होगा अपनी ट्रॉफी को घर वापस लेकर आने का। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि रोहित शर्मा को दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।